हाँ हाँ तो ठीक है हेलो ब्रेड देना भैया ब्रेड दो ब्रेड क्या आपको पता है कि विश्व में टीबी के मरीज सबसे ज्यादा अपने भारत में हैं, जबकि टीबी का इलाज आज आसानी से उपलब्ध है। इसके बाद भी टीबी से अनगिनत मौतें हो रही है ना आश्चर्य की बात। जबकि टीबी के इलाज में सिर्फ 6 से 9 महीने का वक्त लगता है, 3 से 4 दवाइयों की आवश्यकता होती है। हाँ, अगर कोई मरीज पहले से प्रतिरोधी इन्फेक्टेड है तब जरूर कुछ दवाइयों की आवश्यकता और होती है, लेकिन सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा, सफाई पे भी ध्यान देना होगा। टीबी प्रथम चरण में टीबी के मरीज के खांसने और दूषित हवा में सांस लेने की वजह से फैलता है। दुर्भाग्यवश थूकने की गंदी आदत की वजह से अधिकतर भारतीय इस चरण के आने के पहले से ही ग्रसित होते हैं। अब बाहर का ले लीजिए, अगर विदेशों में किसी को थूकने की आदत या जरूरत हो तो एक शीशी अपने साथ लेके चलता है। थूकना है, खोला, थूका, ढक्कन बंद किया, शीशी को जेब में रखा। वहां आम तौर पर कोई चलते फिरते घूमते हुए रास्ते में यहां वहां नहीं थूकता है, और अगर छींकता या खांसता भी है तो रुमाल या नैपकिन में, ऐसे हवा में नहीं, जो अपने यहां होता है। हम लोग अपनी इस गंदी थूकने की आदत को त्याग कर टीबी और अन्य बीमारियों से यूं बच सकते हैं। तो हमेशा किसी डस्टबिन या पीकदान में ही थूकें, नहीं तो जितना ज्यादा दूर थूकेंगे उतने ही ज्यादा कीटाणु फैलेंगे, है ना। हमेशा कूड़ेदान में प्लास्टिक बिछाएं, फिर अंदर से न्यूज़पेपर बिछाएं, इससे गंदगी भी नहीं होगी और आप अपनी इस गंदगी को कूड़ेदान में आसानी से फेंक सकेंगे। आप भी सहयोग कीजिए, थूकने में सावधानी बरतिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। गंदगी जब हम दूर भगाएंगे तभी तो अच्छे दिन आएंगे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।